इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली मेरठ हाईवे 24 पर, जो कि दिल्ली यूपी और उत्तराखंड को जोड़ता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आंदोलित किसान हैं उन्होंने इस हाईवे को बंद कर दिया है। ये स्थिति जब है जब एक तरफ सरकार और किसानों के बीच वार्ता की बात चल रही है, तो दूसरी तरफ जो है इस तरह की जो है ये घटना देखने को मिल रही है। हालांकि पहले कहा गया था कि महापंचायत है किसानों की और उनकी मांगों को लेकर जो है किसान अब NS 24 पर यहाँ पर बैठ गए हैं, और आप देख सकते हैं जो यातायात पूरी तरह से बाधित कर दिया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो NH है ये एक ऐसा रास्ता था जिससे कि दिल्ली के अंदर जो तमाम आपूर्ति की चीज़ें हैं वो पहुँचती थी, लेकिन अब इसको बंद करने से देखिए जाम लगना शुरू हो गया है। और मैं अमित से कहूँगा, अमित दिखाएं, दूर तक आप देखेंगे कि यहाँ जो यूपी की तरफ से दिल्ली में आ सकते थे वो रोड अब बंद कर दिया गया है। बड़ा कह सकते हैं कि यहाँ पर किसानों की तरफ से जाम लगा दिया गया है, और इसका खामियाजा जो है दिल्ली आने वाले तमाम लोगों को उठाना पड़ सकता है। और यहाँ पर देखिए किसानों की जो संख्या है वो लगातार जो है बढ़ती ही जा रही है, और कुछ किसानों से बात करने की कोशिश यहाँ पर करते हैं। ये बताइए, सरकार से बात चल रही है फिर ऐसे क्यों हाईवे जाम कर दिया? रोड जाम किया, हमारी जो मांगे हैं किसानों की, जो 3 बिल जो पास किए हैं उनको हम लोग वापस चाहते हैं, वापस ले ले सरकार, और MST जो हमारा निर्धारित मूल्य है वो हमको मिलना चाहिए। 2% 3% किसानों को मिलता है और बाद बाकी की फसल औने पौने दामों में बिकती है। अच्छा, एक बात, ये बातचीत तो चल रही है ना, फिर ऐसे करके क्यों? सरकार तानाशाही पे है। सरकार ने जबरन बिल थोप दिए हैं। जो किसान आ रहा है वो 800 में धान बेच के आ रहा है, इसलिए किसान में गुस्सा है। गुस्सा है तो गुस्से का इजहार जो है वो इस तरह से देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं नेशनल हाईवे 24 जो कि दिल्ली मेरठ का हाईवे है, यूपी उत्तराखंड को जोड़ता है, यहाँ पर जो है सैकड़ों की तादाद में जो किसान हैं वो यहाँ पर बैठ गए हैं। आपको बता दें किसान जो हैं ज़्यादातर उत्तराखंड से आए हुए हैं और यहाँ पर जो है बैठ गए हैं, यहीं पर इन्हें जो है पानी खाना दिया जा रहा है। अच्छा, ये बताइए, युवा किसान भी हैं, जब इतनी बातें चल रही हैं, वार्तालाप का दौर चल रहा है, फिर ऐसे में हाईवे जाम करना, क्योंकि यहाँ अस्पताल भी है, तमाम चीज़ों पर लोग जाते हैं। ये वार्ता कितनी वार्ता हो चुकी है, लॉलीपॉप दे देते हैं चले आते हैं, लॉलीपॉप दे, जब ये एक बात हो गई कि हमें ये वाले कानून चाहिए ही नहीं तो रद्द करें, किसान पर पे जाएं, ज़्यादा हमारे लिए करना है MSP लागू कर दें, तीनों कानून रद्द कर दें, बात खत्म हो, हम लोग घर पर जाएँ। ये तो लॉलीपॉप दे रहे हैं, लॉलीपॉप थोड़े लेके जा रहे हैं, हम लोग लॉलीपॉप के लिए ना आए हैं। बिल्कुल, किसान ये कह रहे कि इनके जो सरकार से भरोसा है वो थोड़ा सा कम होता जा रहा है, क्योंकि कई बार बातें हुई हल नहीं निकला, तो इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए नेशनल हाईवे 24 को यहाँ पर जाम कर दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट समित के साथ जितेंद्र भाटी, टीम फर्स्ट दिल्ली। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।